शुक्रवार को अमरावती जिला परिषद के स्टैंडिंग कमेटी की सभा संपन्न हुई। पेंडिंग काम तुरंत निपटाने का महत्वपूर्ण निर्णय इस सभा में लिया गया। अमरावती जिला परिषद की स्थायी समिति बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में हर शुक्रवार जिला परिषद में लोकशाही दिवस का आयोजन करने, पेंडिंग पड़े फाइलों का आचार संहिता लगाने से पूर्व निपटारा करना, विकास कार्य पूरे कराना आदि निर्णय लिए गए। जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे ने उक्त बैठक पश्चात यह जानकारी दी। हमारे सब स्टैंडिंग के सदस्य और हमारे पदाधिकारी और अधिकारी ने जो हम यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट रखे उस स्टैंडिंग में आचार संहिता लगने से पहले जिले के विकास के बारे में अच्छे निर्णय हमारे स्टैंडिंग के सब सदस्य लोगों ने लिए और एक कैंपेनिंग करके यानी जो फाइल एक एक दो दो तीन तीन महीने से कुछ टेबल पे पेंडिंग है वो फाइल निकालने के लिए हमने एक आज अच्छा निर्णय लिया। एक कैंपेनिंग करके सभी जहाँ से फाइल मूव होती वहाँ से पूरे हमारे क्लर्क हो, हमारा डेस्क ऑफिसर हो, हमारे अधिकारी हो और पदाधिकारी और हमारे सभापति लोग जिनकी जिनकी साइन वो फाइल पे चाहिए तो आचार संहिता का पहले जिले का हमारा पूरा फंडिंग खर्ची हो यानी उस हमारा नुकसान न हो इसलिए ये निर्णय आज हमने लिया। और दूसरा निर्णय जैसा लोकशाही दिन कलेक्टर ऑफिस कमिश्नर ऑफिस में होता वैसे पिछली बार हमारा ठहराव हुआ था कि लोकशाही दिन जिला परिषद में भी जिला परिषद का होना चाहिए इसलिए महीने के पहले शुक्रवार को ये लोकशाही दिन इस 3 जनवरी को हमने डिक्लेयर किया है। तो ये भी हम लोगों से अपील करते हैं कि जिनके ग्राम पंचायत के प्रश्न हो, उनके गांव के प्रश्न हो, कुछ विकासात्मक प्रश्न हो, उन्होंने अपने प्रश्न लेके जिला परिषद में आना चाहिए और यहाँ पे सब प्रश्नों का निपटारा हम लोग करेंगे और लोगों को न्याय देंगे। वर्तमान वर्ष 2013 को अलविदा कहते नव वर्ष 2014 का स्वागत करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंगलवार की रात नव वर्ष 2014 का स्वागत करने का नियोजन भी हो चुका है। बस इंतजार है मंगलवार यानी इस वर्ष के अंतिम दिन का सूरज ढलने का। लेकिन आपको बता दें कि पुलिसिया बंदोबस्त और संगीनों के साये में 31 मनाना पड़ेगा। पुलिस महकमे ने जश्न और उधम को दाग न लगे इसके पुख्ता इंतजामात किए होने का दावा किया है। मंगलवार 31 दिसंबर की शाम 5 बजे से बुधवार 1 जनवरी 2014 की सुबह 5 बजे तक पूरा शहर पुलिसिया निगरानी में रहेगा। शहर में सभी पुलिस थाना निहाय 55 फिक्स पॉइंट लगाकर 31 के जश्न और उधम पर वॉच रखने का नियोजन पुलिस महकमे ने कर लिया है। शहर में शांतता कायदा सुव्यवस्था अबाधित रहे इस ओर महकमे ने ध्यान देने के नियोजन के तहत पुख्ता इंतजाम किए होने का दावा किया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कमजोरी तथा प्रशासन की मनमानी के चलते शहर में हमेशा ही नए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग इस बार 31 के दिन देखने मिलेगा। शहर के होटल व बार संचालकों ने कानून के दायरे में सेवाएं देने की बात कहते मैखानों के बाहर चेतावनी फलक लगाने की घोषणा की है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न व जल्लोष का वातावरण कड़े पुलिसिया पहरे में रहने की खबरों के बीच पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने स्पष्ट किया है कि वे मौज मस्ती व जश्न के खिलाफ नहीं है बल्कि आम नागरिकों के जानो माल के हित के मद्देनजर नव वर्ष पर होने वाले हुड़दंग के खिलाफ है। राज्य सरकार द्वारा नव वर्ष व देर रात तक होटलों व वाइन बारों का खुला रहने की दी गई छूट तथा वही सीपी अजित पाटिल द्वारा उस दिन लगाए जाने वाले कड़े बंदोबस्त के संदर्भ में सीपी ने बताया कि पुलिस प्रशासन किसी के भी जश्न और आयोजन में कोई खलल नहीं डालेगा किंतु कानून व सुव्यवस्था का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। बिजली के हाइपरटेंशन तार के संपर्क में आकर एक बंदर की मौत हो गई। शुक्रवार की दोपहर सक्करसा चौराहे पर यह घटना घटी। उछल कूद करते सक्करसा चौराहे पर खेल रहे बंदरों के झुंड में से एक बंदर छलांग मारते लगाते बिजली के हाइपरटेंशन तार से टकरा गया जिससे करंट बैठकर उस बंदर की मौत हो गई और बिजली का तार भी टूट कर बिखर गया। भारी भीड़ इस बंदर को देखने उमड़ी थी। एमएससीबी को सूचना देकर इस टूटे तार की बिजली आपूर्ति रोकी गई जिससे इस क्षेत्र में लगभग घंटा भर बिजली गुल थी। जिले के सुपरिचित महाजत्रा है बैरम यात्रा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री क्षेत्र बैरम में महाजत्रा का आयोजन जिला प्रशासन ने किया है। इस महाजत्रा में कृषि प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी, संतरा परिषद, सांस्कृतिक और क्रीडा स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। 30 दिसंबर से इन कार्यक्रमों का आगाज होगा। सुरेखा ठाकरे इन्होंने एक पत्रवार्ता में उक्त जानकारी दी। आज इस
भैरव यात्रा के लिए यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप सभी को मालूम है कि पिछले साल हमारे जिला परिषद ने भैरव महायात्रा का नियोजन किया और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद जनता ने, प्रशासन ने, लोगों ने हमको दिया। इस बार भी ये जिला परिषद की यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। 30 तारीख से इसका हम उद्घाटन करेंगे। 31 तारीख से राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा और 3 तारीख से वॉलीबॉल जिला स्तरीय स्पर्धा के हम लोगों ने आयोजन किया है। इसमें खासदार साहब की तरफ से वॉलीबॉल की नेट और बॉल्स इसका वाटप भी होने वाला है। दूसरी बात, हमारी 5 तारीख को हमारा वॉलीबॉल का समारोह का दिन है, उससे मकरंद अनासपुरे एक मराठी एक्टर्स को हमने यहाँ पे बुलाया है और उसी दिन हमारा बचतगट प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। 7 तारीख को और हमारे कुछ मंत्री लोग आने वाले हैं। 9 तारीख, 10 तारीख, यानी बहुत सारे मंत्री लोग, प्रधान सचिव, राज्य मंत्री, कृषि प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी, आरोग्य कार्यशाला, एजुकेशन विभाग के बहुत सारे प्रोग्राम, पंचायत इसमें सरपंच की कार्यशाला, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमको प्रतिसाद मिले और इस यात्रा का आनंद लिए, ऐसा फिर महसूस लोगों से। नव वर्ष के स्वागत के उपलक्ष्य में न्यू ईयर बॉलीवुड धमाका इस खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर और मॉडल मानव शिरकत करेंगे। 31 के रात संस्कार लॉन विद्यापीठ रोड पर ये जश्न माहौल बनाया जाएगा। अमरावती शहर के संस्कार लॉन विद्यापीठ रोड नव वर्ष के स्वागतार्थ न्यू ईयर बॉलीवुड धमाका इस खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस बॉलीवुड धमाका में म्यूजिक, सेलिब्रिटीज, अनलिमिटेड वेज नॉन वेज फूड्स का नियोजन है। सुपरिचित सिने अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, मिस्टर इंडिया फेम एक्टर मानव शिरकत करेंगे। इस न्यू ईयर बॉलीवुड धमाका में बेस्ट कपल, बेस्ट प्रिंसेस, बेस्ट प्रिंस, इन उपहारों की भी बौछार होगी। शहर के पापड़ चौक में इस न्यू ईयर बॉलीवुड धमाका की टिकट बिक्री शुरू है। नए साल का जश्न कुछ खास अंदाज में मनाने तुरंत अपने टिकट खरीद ले, ये आवाहन आयोजक राजू तिवारी, मनीष अहिरे इन्होंने किया है। अधिक जानकारी हेतु 9049399821 या 8600722096 पर संपर्क करें। बुलेटिन में अब खबरें धर्म समाचार से जुड़ी। श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन जैन मंदिर में किया गया है। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को रजत ध्वज पालखी यात्रा का आयोजन किया गया था। श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव शहर के श्वेतांबर जैन मंदिर से जारी है। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को रतन ध्वज पालकी यात्रा का आयोजन किया गया था। देखिए इस पालकी यात्रा की झलकियां। बुलेटिन में अब खबर व्यापार जगत से जुड़ी। महंगाई की मार झेल रहे सभी के लिए एक राहत भरी खबर है और खबर यह है कि तेल के दाम जो आसमान पर थे वे आसमान से सीधे जमीन पर लुढ़क आए हैं। जो फल्ली तेल 125 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा था, वही फल्ली तेल अब 90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तेल निर्यात बंदी के चलते ये दाम उतरे हैं, है ना राहत की खबर। महंगाई की मार सह रहे सभी के लिए सिटी न्यूज ले आया है एक राहत भरी खबर। खबर यह है कि तेल निर्यात बंदी का निर्णय लिया गया होने से तेल के दाम लुढ़क गए हैं। फल्ली तेल खुदरा बाजार में 125 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बेचा जाता था, वही फल्ली तेल के दाम अब 90 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। ग्राहक वर्ग इस ओर ध्यान दे। व्यापार जगत से मिली जानकारी अनुसार फल्ली तेल के 15 किलो के पैक अब 1325 रुपए में उपलब्ध हुआ है। सोयाबीन तेल का डिब्बा 1250 रुपए और सूर्यफूल तेल का डिब्बा 1400 रुपए में बाजार में बिक रहा है। बाजार में तेल के दाम पहले इतने कभी नहीं उतरे थे जो इस बार लुढ़क आए हैं। चलिए महंगाई के मार से
कुछ तो सहूलियत मिली। व्यापार समाचार सिटी न्यूज। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नजर महानगर के अन्य मुख्य खबरों पर। अमरावती मनपा क्षेत्र के सभी जोन कार्यालयों में मनपा की ओर से विवाह प्रमाण पत्र वितरण की व्यवस्था की गई है, जहां से नागरिक विवाह प्रमाण पत्र पा सकते हैं। वर वधु की दो फोटो, शादी की पत्रिका, 100 रुपए के स्टैंप पर आवेदन और 3 साक्षीदारों को पेश कर यह विवाह प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है। शादी के 3 माह के भीतर यह प्रमाण पत्र 50 रुपए के शुल्क पर मिलता है। शादी के 1 साल के अंदर 150 रुपए और 1 साल के बाद 250 रुपए शुल्क अदा कर मनपा विवाह प्रमाण पत्र मिल जाता है। अधिक जानकारी हेतु मनपा कार्यालय या अपने जोन कार्यालय से संपर्क करें। सिटी न्यूज द्वारा जनहितास्तव प्रसारित। जिले भर के पुलिस महकमे ने कौन सा अपराध कौन से थाना क्षेत्र में कहां दाखिल किया है, जानेंगे सीधे पुलिस रजिस्टर से। अंजनगांव पुलिस ने FIR रजिस्टर में एक भाई पर अपने ही सगे बहन को जहर पिलाकर जान से मारने के प्रयास के जुर्म में धारा 307-34 के तहत अपराध दायर किया है। फिरादी बहन कुमारी सविता इंगोले के शिकायत अनुसार उसे उसी के सगे भाई शैलेश गौतम इंगोले ने मम्मी पापा से 2 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया और ना मानने पर एक दोस्त की मदद से उसे जबरन जहर पिलाया। पुलिस इस घटना के जांच में जुटी है। बाथरूम में नहा रहे एक महिला का अश्लील चित्रीकरण कर ये चित्रीकरण दोस्तों में दिखाने के जुर्म में नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने आरोपी रामेश्वर महादेव मारपदे और उसके सहकारी पर धारा 354 क के तहत FIR रजिस्टर किया है। फिरादी 27 वर्षीय महिला के शिकायत अनुसार वो महिला जब उसके बाथरूम में नहाती थी तब भी उसके खिड़की से आरोपी उस महिला का चित्रीकरण करते थे। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है। खेती में काम कर रहे एक 30 वर्षीय महिला के साथ दुराचार करने के प्रयास के जुर्म में लोनी पुलिस ने धारा 354 अ 506-34 के तहत आरोपी मनोहर शेंडे और उसके सहयोगी ऊपर अपराध रजिस्टर किया है। पुलिस ने दोनों को नामजद कर आगे की जांच शुरू कर दी। तिवसा पुलिस के डायरी में एक 14 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के अपराध में आरोपी देवानंद अमूलकर को धारा 363-366 ब के तहत नामजद किया गया है। पुलिस इस नाबालिग युवती और आरोपी की तलाश में है। घरेलू हिंसा के चलते पति द्वारा पत्नी की जहर पिलाकर हत्या करने के जुर्म में तिवसा पुलिस ने आरोपी पति जनार्दन दयाराम म्हात्रे पर धारा 498 अ 306 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी ने मृतक वैशाली को जहर पिलाया और उसे शारीरिक और मानसिक तकलीफें दी। उक्त अपराध की जांच तिवसा पुलिस कर रही है। तो दर्शकों ऐसा रहा अब तक के खबरों का हाल। बुलेटिन को देते हैं बस इतने पर ही विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों सिटी न्यूज के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570-32 छः और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरें निरंतर जारी है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।